खरगोन में साई सेवा संस्थान के सदस्यों द्वारा हर रविवार गरीब वर्ग को भोजन कराने का पुण्य कर्म बखूबी से किया जा रहा है। पिछले 15 वर्षों से ये सेवा कार्य किया जा रहा है। साई सेवा संस्थान के कमल सोनी ने बताया कि हमारे साथ इस पुण्य कार्य में 250 लोग जुड़े हैं जो तन मन और धन से सेवा दे रहे हैं। बड़ी बात है कि इतने वर्षों के बावजूद यह क्रम अभी तक टूटा नहीं। प्रति रविवार नवग्रह मंदिर परिसर और साई मंदिर के पास रहने वाले बड़ी संख्या में गरीबों को प्रसादी के रूप में भोजन वितरित करते हैं। संस्थान के ही सत्तार खान बताते हैं कि यहाँ जिस तरह प्रसादी वितरण में धर्म नहीं देखा जाता, वैसे ही संस्थान में भी धर्म से ज़्यादा कर्म को महत्व देते हैं। साई संस्थान में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्म के सेवाभावी जुड़े हैं और गरीबों के लिए भोजन व्यवस्था और वितरण कार्य किया जाता है। इस काम में सुखद अनुभूति होती है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। अरे पानी लाए, क्या कहना चाहेंगे आप लोग यहाँ पे जो एक गरीबों के भोजन को लेकर एक व्यवस्था आपके संस्था के द्वारा रखी गई, कैसा महसूस करते हैं? हम बहुत खुशी मिलती है हम आप मतलब, और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर इस संस्था को चला रहे हैं। मिल के हमारे पूरा सहयोग रहता है। हम कोशिश करते हैं कि और ज़्यादा सदस्य संस्था में बढ़े और अच्छे से चलेगी। जब आप लोग खाना लेकर पहुंचते हैं तो सभी बच्चे, बुजुर्ग सभी आते हैं, कैसा लगता है मन में? हम बहुत खुशी होती है हमारे लिए, बहुत अच्छा लगता है। सबको हम खाना बांटते हैं, खिलाते हैं, तो मतलब बहुत सुकून मिलता है दिल को। क्या नाम लिखते हैं? कितने वर्षों से कर रहे हो, कैसे इस शुल्क को लेकर आप लोगों के मन में भाव जागा और ये योजना शुरू की? विगत 15 वर्षों से हम इसे निरंतर चला रहे हैं और हमारे 150 सदस्य नियमित रूप से 100 रुपये प्रति माह संस्था को देते हैं और उसके माध्यम से ये सब चलता है। हमने ये देखा था कि नवग्रह मंदिर पे और जो गरीब बस्ती है साईं मंदिर के पीछे, वहाँ लोगों को खाने की परेशानी को देख हम जाते थे, उधर देखते थे, तो फिर हमने ये निर्णय लिया कि हमको इसको हर रविवार को करना है। कितने लोगों को भोजन करवाते हैं? क्या रखते हैं सर? हम प्रति रविवार को करीब 200 लोगों को भोजन करवाते हैं और उसमें एक मीठा अनिवार्य रूप से होता है और सब्जी, रोटी, खिचड़ी। ये मेनू हमारा, हम मीठा तो हमारा फिक्स रहता ही है उसमें। कैसा महसूस करते हैं गरीबों को जब मतलब जो जरूरतमंद को खाना मिलता है? हम देखें तो शासन की भी ऐसी योजनाएं चल रही, लेकिन आज उन पर ताला लगा, लेकिन आप हम देखें तो जमीनी स्तर पर आज भी नज़र आ रहे हैं। हमें बहुत आत्मसंतुष्टि है इससे और हमारी और भी इसके अलावा भी गतिविधियाँ चलती है। ठंड में हम कम्बल बांटते हैं और गुरु पूर्णिमा का भंडारा करते हैं और लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार भी हमारी संस्था द्वारा किया जाता है। हमें सूचना मिलने पे हम अंतिम संस्कार करते हैं। क्या सुना मित्र? कमल सोनी।